स्मृति ईरानी ने कहा है राहुल गांधी को कि वो चारा चोरों के साथ। देखिए, आदरणीय स्मृति ईरानी जी का हम बड़ा सम्मान करते हैं। ये तो भारत माता की जय का नारा हम लोग लगाते हैं, देश जो मातृत्व शक्ति का पूजा करता है। लेकिन ये जो मोहब्बत की बात स्मृति ईरानी जी कर रहे थे, तो एक हम लोग पहले फिल्म में गाना सुने थे, मोहब्बत है क्या जी हमें भी बताओ। स्मृति ईरानी जी बताएं कि भारतीय जनता पार्टी को किनसे नफरत है और किससे मोहब्बत है। भारतीय जनता पार्टी को नफरत है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो विचारधारा था, अडवाणी जी का, जोशी जी का, अडवाणी जी का लालकृष्ण अडवाणी जी से नफरत है। इनके कहीं तस्वीरों में, पोस्टरों में आपने रोका था बिहार में, इसलिए कहा, याद दिला, हम इसलिए कहा न्यू बीजेपी का ये जो हम लोग कह रहे हैं कि नफरत का बाजार, इनको नफरत किससे किससे है और मोहब्बत किससे किससे, ये भी हम बता देते हैं उदाहरण के साथ। नफरत है इन्हीं को अपने ही पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, जिन्होंने सींच कर इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, उनसे इनको नफरत। हमने पूछा आपसे, आप बता रहे हैं भाई, हम तो बता रहे इनको नफरत, आंसर शीट में कुछ और ही जवाब लिख रहे हैं। हम तो स्मृति ईरानी जी का जवाब दे रहे हैं कि आपको नफरत रोजगार से क्यों है, आपको नफरत महंगाई से क्यों है, माथे पर सिलेंडर लेकर घूम रहे थे 14 में, आपको नफरत क्यों है नौजवान और किसान से, पहलवान से, आपको मोहब्बत है किससे, आपको मोहब्बत है जुमलेबाजी से, आपको मोहब्बत है दंगाई से, आपको मोहब्बत है महंगाई से, आपको और किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर राहुल गांधी जी ने कहा है कि मोहब्बत की बात की है, तो देश का नौजवान, देश का किसान, देश का हर गरीब मजदूर ये कह रहा है कि ये देश मोहब्बत के पैगाम से चलेगा, नफरत का बीज बोने वालों को बाहर का रास्ता किया जाए, दिखाया जाए। मोहब्बत की दुकान में आप बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे भदौरिया जी? देखिए, हम लोग तो राहुल गांधी जी की मोहब्बत, देखिए हम लोग तो देश की विकास की बात करने वाले लोग हैं। इन्होंने बोला मेगा मॉल, अच्छा होता कि जहां आपने बेरोजगारी का जो मेला लगाया हुआ है वहां पे रोजगार का मॉल खोलते तो शायद बच्चों को ज्यादा फायदा होता। मुझे बोलने दीजिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, बेरोजगारी का जो आपने मॉल मेला लगाया हुआ है, नफरत की राजनीति करने वाले कहां बताएंगे मोहब्बत का मतलब क्या होता है। इनको तो कोई लेना देना नहीं है। ये देश की ताकत क्या है? अनेकता में एकता। विभिन्न भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं, विभिन्न वेशभूषा के लोग रहते हैं, अलग अलग त्यौहार मानने वाले लोग इस देश के अंदर रहते हैं। कोई होली मनाता है, कोई रमजान मनाता है, कोई ईद मनाता है, कोई क्रिसमस मनाता है, कोई गुरु पूर्णिमा मनाने वाले लोग हैं। हमारा कितना प्यारा हिंदुस्तान है, सब लोग इसको हमेशा देखते हैं, गुलदस्ता है जिसको आज पूरे हिंदुस्तान की इतना महत्व क्यों है कि लोग जानते हैं हिंदुस्तान में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं फिर भी एक रहते हैं। आज तक यहाँ पे किसी तरह की बात नहीं हुई, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है देश के अंदर में, देखिए हमेशा बांटने में लगी है, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई है, उत्तर प्रदेश से हो, यहां से वहां से। भाई क्यों क्यों नहीं आप बात करते कि हमको सबको रोजगार देने की बात क्यों, जो आपने कहा था 2014 में हम आएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने आज तक उसके बारे में चर्चा नहीं की। आपने कहा था हम आएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, रुपया मोटा हो जाएगा, फूल का कुप्पा हो जाएगा, जबकि आप बताते थे रुपया पतला हो गया है। आज क्या हुआ, डॉलर की क्या हालत है आप देख लीजिए, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहते। आप चर्चा नहीं करना चाहते किसानों के बारे में, आप चर्चा नहीं करना चाहते के बारे में, आप चर्चा क्या करते हो 1950 में क्या हुआ था, 1960 में क्या हुआ था, 1980 में क्या हुआ था, 1758 में क्या हुआ था, आप क्यों नहीं चर्चा करते कि 2014 के बाद से आपकी सरकार है, आपने देश को क्या दिया है, आपने देश को पता क्या दिया है। जब पार्लियामेंट का भी उद्घाटन होता है तो आप देश की राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाते, देश की राष्ट्रपति थी, किसी दूसरे देश की राष्ट्रपति नहीं थी जो आपने उनको नहीं बुलाया। एक महिला थी, आदिवासी समाज से आती थी, देश की भारत माता की तरह हम लोग उनको देखते हैं, लेकिन फिर भी आपने जरूरत नहीं समझी कि उनसे आप अपना उद्घाटन करवा लेते, लेकिन आप उद्घाटन नहीं करवाएंगे, उद्घाटन नहीं करवाएंगे, यहाँ आके लंबी लंबी आप बातें मारेंगे। ये दुर्भाग्य है देश का कि आप जैसे लोग इस देश में आज राज कर रहे हैं जो देश के संविधान को नहीं मानते। में जो सबसे बड़ा आरोप तमाम विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं बीजेपी में भी यही कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो नफरत का जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये कन्विंस कर पाएंगे? क्योंकि आप ये तो इनके कई मंत्री नेता खुद ही कहते हैं कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, अभी भी ईश्वरप्पा जी ने कर्नाटक में कहा था, तो हिंदू भी इन पर विश्वास करेंगे एक मुश्त होकर, कैसे ये मुमकिन हो पाएगा? अरे चिरागी इधर आ रहा है। सबसे पहले, अरे आप शांत रहिए, सबसे पहले तो देखिए कि राहुल गांधी जी को ये देश कभी देश नहीं लगता है अंजना जी, ये दुकान लगता है इनको। जब सत्ता मिली तो भ्रष्टाचार करके बदनाम किए, जब सत्ता से बाहर आए तो कुछ कुछ नाम बदनाम कर रहे हैं, तो शेर पढ़ रहे थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत, उनको बाजार लगता है ना, उनको तो पूरा देश ही बाजार लगता है। ए जी, टू जी, लो जी, सुनो जी, मैं हूं मनमोह जी, तो इनका कांग्रेस का, और दूसरी बात
थोड़ा सूर्य सुनिए ना, 9 साल आपने जो क्यों अली कर रहे हैं राहुल गांधी जी और वो लोग पीछे से 40 लोग तरन्नुम पैदा कर पहले तरन्नुम पैदा करे अली बाबा के ये लोग 40 लोग हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि बिहार में जो अभी पुल गिरा, बिहार में और रोजगार की बात, आप चुप रहिए ना, आप रोजगार की बात कर रहे थे। ये लोग रोजगार आत्मनिर्भर भारत मोदी जी की है। इनके नेता क्या करते हैं कि खुद से तुम आगे बढ़ो, बड़ा बढ़ो, जवान बढ़ो, ये कट्टा पकड़ा देंगे, आत्मनिर्भर भारत, स्वरोजगार, अपना रोजगार मिले। आप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। हथियार बंद नीति हथियार बंद कर देते हैं, वो कट्टा नहीं बंदूक कहाँ से आ रही है? कट्टा बोला मुझे तो मैं बता रहा हूँ कि बंदूक कहाँ से आ रही है। अरे अन्ना जी, मेरा संरक्षण भी बना रहे हैं, कटाए गए कट्टा सुनते हैं, मेरा संरक्षण की नहीं तो बाहर निकल के ये क्या करेंगे भाई? मुझे डर लगता है इनसे। अरे हमको खुद ही लगता है कि भैया कब आप देसी और निकाल दोगे। नीतीश कुमार जी से अभी मृत्युंजय जी बड़ी लंबी लंबी बात कर रहे थे, नीतीश कुमार जी रोजगार की बात कर रहे हैं, इनके नेता तो खैर रोजगार उत्पन्न कर दे रहे हैं। बिहार में माहौल क्या है ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। रात में कोई भी रोजगार मांगने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आप चले जाइए। आप बिहार में रह रहे हैं ना? नहीं नहीं, रह नहीं, दुबक के रह रहे हैं, दुबक के रह रहे हैं। कौन न बोले कि बिहार में लोगों का जो है यहाँ दुबक के रह रहे हो, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, दुबक के रह रहे हैं। यही माहौल बिहार में है और यही पूरे देश में बनाना चाहते हैं। बात पूछ रहे थे सवाल मोहब्बत पर, मोहब्बत ये कह रहे सुनिए, सवाल पूछ रहे ये दिक्कत है बीजेपी के पास, सही कह रहे, मोहब्बत की बात पूछ रहे, कट्टा ले आए बीच में, ये बीजेपी वाले कट्टा करने का नहीं करते।